हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का ब्लॉग मैं इवनिंग से शुरू करती हूँ और ये रहा हमारा इवनिंग चाय। और डिनर के लिए करी मैंने बना दिया है, बस अभी मैं पराठा बनाऊंगी। उससे पहले मेरी बड़ी बेटी को थोड़ा सा हिंदी का प्रैक्टिस उसको लिखने के लिए दे के जाऊँगी और उनके स्कूल में अभी तक हिंदी का बुक नहीं मिला है, फिलहाल 2-3 दिन में मिल जाएगा। तो इसलिए मैं एक प्रिंट आउट निकाल के लाई हूँ और उसको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ, तो वो बस कॉपी करके लिख रही है। और बच्चे जितना लिखे उतना ही उनका हैंड राइटिंग प्रैक्टिस होगा, इसलिए मैं उसको थोड़ी देर बिठा के लिखाती हूँ। और मैं जाऊँगी, अभी थोड़ा सा पराठा बनाना है तो वो बनाऊँगी। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं स्क्वायर टाइप का पराठा कैसे बनाती हूँ। ये पराठा के लिए मैंने नॉर्मल सा व्हीट फ्लोर ही लिया है और आटा गूंथ के मैं थोड़ी देर रेस्ट के लिए दिया था। उसके बाद जैसे रोटी बनाते हैं सर्कल टाइप का, उस टाइप का आपको बनाना है। उसके बाद थोड़ी सी ऑयल अप्लाई करके चारों तरफ से आपको फोल्ड करना है जैसे स्क्वायर शेप में आए। उसके बाद बस उस टाइप के रोटी के जैसे आपको बस बेलना है और देखिए बहुत अच्छी तरह से बन के रेडी हो जाता है। देखिए टेस्ट वाइज तो एक ही आएगा, बट ऐसा है ना कि बच्चे लोग को अगर आप डिफरेंट टाइप का बना के दो तो बच्चे भी इंटरेस्ट लेके खाते हैं। तो चलिए मैं अभी फटाफट बना लेती हूँ, उसके बाद मैं पराठा ऑयल लगा के थोड़ा सा सेक लूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बेटी बड़ी बेटी के साथ कुछ ना कुछ लिखने की प्रैक्टिस कर रही है। ये पुराना नोटबुक मेरी बड़ी बेटी का था तो वो मैंने दे दिया है, तो बस वो पेंसिल लेके सर्कल जैसा कुछ ना कुछ बनाती रहती है। अगर कोई उसके पास आके देखे तो वो क्या कर रही है तो वो छुपा देती है हाथ से। और बच्चे के ये छोटे छोटे मोमेंट्स ना मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए और 5-10 साल के बाद ये सारे छोटे छोटे मोमेंट्स और देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो ये सारे छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत अच्छा लगता है मुझे। और कल रात को बिल्कुल भी मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया था। ये रहा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे मैं बड़ी बेटी की टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं उसको देने वाली हूँ सीवे का उपमा। तो उसको बहुत पसंद आती है वो वाला उपमा। वो सूजी का उपमा ज़्यादातर नहीं खाती है, बट सीवे वो उसको बहुत पसंद है, वो खा लेती है। और यहाँ पर मैं उसकी बॉटल फिल कर रही हूँ। यहाँ पे साइड में मैंने दे दिया है टमेटो केचप उपमा के साथ। और उपमा में आज कोई भी सब्जी वगैरह मैंने ऐड नहीं किया था, बस ऑनियंस एंड थोड़ा सा कैरेट को मैंने ग्रेट करके उपमा में ऐड किया था। तो बस आज मैं सिंपल सा ही उपमा बनाई थी।
जैसे मेरी बड़ी बेटी को पसंद है उस टाइप का ही बनाई थी। और यहाँ पे मैं दूसरे टिफिन में थोड़ा सा वोफल्स एंड एक मफिन्स एंड बिस्किट थोड़ा सा दे दूंगी। मैंने दो बिस्किट दिया था बट पीछे से आके मेरी बेटी बोल रही कि मम्मा एक बिस्किट दे दो, मेरे को ज़्यादा हो जाता है। मैंने एक बिस्किट निकाल दिया है। और आज का लंच में बिल्कुल भी सूट नहीं कर पाई थी। हम बीच में चले गए थे डॉक्टर के पास मेरी छोटी बेटी को थोड़ा सा दिखाने के लिए। और ये रहा आज का लंच, मैं बना के गई थी तो बनाने के टाइम सूट तो नहीं कर पाई थी बट खाना खाने के टाइम थोड़ा बहुत सूट किया था। तो बस, और लंच करने के बाद मेरी बेटी आई थी, उसकी थोड़ा बहुत जो काम रहता है वो मैंने फिनिश किया। और थोड़ी बहुत रेस्ट करने के बाद इवनिंग को थोड़ा सा हम लोग बाहर आए थे घूमने के लिए। और ये हमारे घर के नज़दीक ही है, बहुत ही एक प्लेस अभी उन लोग ने क्रिएट किया है। ऐसे ही बच्चे लोग देखिए, बहुत सारे बच्चे आके खेलते हैं, बच्चे लोग का प्ले ग्राउंड वगैरह जैसा थोड़ा बहुत बनाया है। और जो और बहुत सारी फूड स्टॉल भी वो लोग ओपन किए हैं, बहुत ही अच्छा प्लेस अभी रिसेंटली ही ये वाला बनाया है। और देखिए इवनिंग का टाइम, बहुत सारे ऐसे फैमिली आए थे बच्चे लोग को लेके। ऐसे बच्चे लोग भी घर में बैठ बैठ के बोर ही होते हैं, तो अच्छा प्लेस ओपन किया है घर के पास। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड गुड बाय। हाँ, अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।